नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ठंड के समय हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। आंख, नाक, हाथ, बाह, अंगूठा, मुंह, होंठ, एड़ी, घुटना, कमर, टांग, चेहरा, बाल और ठुड्डी। यह हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग होते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे शरीर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं अपने शरीर की मुख्य जानकारियों के बारे में। हमारे शरीर का जो ढांचा होता है यह अस्थियों का बना हुआ है। अस्थियां मतलब हड्डी। यह ढांचा या कंकाल हमारे शरीर को साधे रहता है, इसे निश्चित आकृति और दृढ़ता प्रदान करता है तथा आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जन्म के समय यदि हम बात करें तो बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन युवा होते होते इनकी संख्या जो है यह घटकर 206 ही रह जाती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कुछ अस्थियां हड्डियां जो है यह एक दूसरे से जुड़ जाती है, इसी कारण इनकी संख्या जो है यह 300 से घटकर 206 हो जाती है। यदि हमारे सिर में यदि हम बात करें तो हमारे सिर में 29 हड्डियां और प्लेट होती हैं। कमर की यदि हम बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, 33 हड्डियां जो है यह धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे जैसे हमारा शरीर जो है यह शैशवावस्था को पार करता जाता है, इनकी संख्या घटकर 26 हो जाती है। मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले 33 हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे हमारा शरीर जो है यह शैशवावस्था को पार करता जाता है, यह संख्या जो है घटकर 26 ही रह जाती है। छाती में यदि हम बात करें तो हमारे सीने में दोनों ओर 12-12 पसलियां पाई जाती हैं। हाथ में यदि हम बात करें तो हमारे हाथों की उंगलियों में 15 हड्डियां होती हैं। टांग में यदि हम बात करें तो टांग में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है यह जांग में पाई जाती है, जिसकी लगभग लंबाई जो है यह 48 सेंटीमीटर होती है। यह हड्डी फीमर हड्डी कहलाती है। यदि हम बात करें हमारे पैरों में तो पैरों में हमारे कुल 52 हड्डियां होती हैं। तो यह हमारे शरीर के बारे में कुछ मुख्य जानकारी है। चलते हैं जान लेते हैं और क्या क्या है हमारे शरीर में। दोस्तों, यह जो इमेज दी गई है इसमें बताया गया है कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मतलब काप्स कहाँ होती हैं, काफ मसल कहाँ होती हैं, बाइसेप्स कहाँ होते हैं, ट्राइसेप्स कहाँ होते हैं, तो यह इस इमेज में दर्शाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं श्वसन की क्रिया को। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी सांस लेता है। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी खाद्य अणुओं को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा पैदा करता है। सांस क्रिया के फलस्वरूप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनते हैं। दोस्तों, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ बाहर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह पेड़ों के द्वारा ग्रहण की जाती है और पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जो हमारा शरीर ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं सांस क्रिया के फलस्वरूप जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह दोनों ही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर क्या है जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। शरीर में हवा के अंदर जाने व बाहर निकलने की क्रिया जो है यह निरंतर होती रहती है। सांस द्वारा हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की क्रियाओं में एक संबंध होता है। श्वास लेने की क्रिया को हम इंस्पिरेशन मतलब उच्च श्वास कहते हैं और निकालने की क्रिया जो होती है इसे निश्वसन एक्सपिरेशन कहा जाता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। सांस की क्रिया जो है यह 3 पदों में पूरी होती है, उच्छ्वास, निश्वसन और विश्राम। दोस्तों, यहाँ पे एक और चित्र आपको दिखाया गया है। इस चित्र में यदि हम बात करें तो हमारा ब्रेन, किडनी, फेफड़े, लंग्स यह कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं यह इस चित्र में आपको आसानी से समझ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम ठंडी में मुंह से भाप क्यों निकलती है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है, यह इसलिए होता है क्योंकि सांस लेने की क्रिया के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड
और पानी बनता है, यह मैंने आपको पहले भी बताया। यही पानी जलवाष्प के रूप में आपके फेफड़ों द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मुंह या नाक से बाहर निकलता है। आपको बता दें, सांस लेने की प्रक्रिया और पाचन के दौरान आपके शरीर में जो पानी बनता है और जो पानी हम पीते हैं वह मूत्र, पसीने और वाष्पीकरण से बाहर शरीर के निकलता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि इंसान के शरीर का औसत तापमान जो है, यदि हम फॉरेनहाइट में बात करें तो यह 98.6 डिग्री होता है, और यही यदि हम सेल्सियस में बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का औसत तापमान होता है। सर्दियों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस के साथ शरीर का पानी भी बाहर निकलता है, तो जब पानी बाहर की ठंडी हवा से मिलता है तो इसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। यह जलवाष्प जब बाहर की ठंडी हवा से मिलती है तो ये संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बाहर आती है, और इसका परिणाम यह होता है कि यह आपको धुएं के रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि ठंडियों में हमारे मुंह से हमें धुआं निकलता हुआ दिखता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह क्रिया गर्मी के दिनों में क्यों नहीं होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्मियों में बाहर का तापमान जो है यह ज्यादा होता है, इसलिए ये जलवाष्प संघनित नहीं हो पाती है और बाहर निकलते ही इसका तुरंत ही वाष्पीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मियों में हमें जो है यह सब कुछ देखने को नहीं मिलता है, यह सिर्फ ठंडियों में ही हमें प्रतीत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आसानी से समझ पाए होंगे कि ठंडियों में जो है यह हमारे मुंह से धुआं निकलते हुए हमें प्रतीत क्यों होता है। चलिए जान लेते हैं कुछ रोचक बातें हमारे शरीर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, औसतन मनुष्य जो है यह बिस्तर पर जाने के 7 मिनट बाद ही सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, औसतन यदि मनुष्य की हम बात करें तो औसतन मनुष्य जो होते हैं यह बिस्तर पर जाने के 7 मिनट बाद ही सो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 है, मनुष्य अपनी जिंदगी का 33% हिस्सा जो है यह सोते हुए ही गुजार देता है। फैक्ट नंबर 3 है, जो लोग रात को कम सोते हैं उनका वजन साधारण की अपेक्षा ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4 है, मनुष्य के दांत चट्टान के समान ही कठोर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो दांत हैं यह चट्टान के समान ही कठोर होते हैं। फैक्ट नंबर 5 है, एक औसतन मनुष्य के लिए अपनी ही कुहनी को चाट पाना असंभव होता है। फैक्ट नंबर 6, मनुष्य छींकते समय अपनी आंखों को खुला नहीं रख सकता। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको छींक आती है तो आप अपनी आंखों को खुला नहीं रख सकते। फैक्ट नंबर 7, अगर आप जोर से छींकते हैं तो आपकी पसलियां भी टूट सकती है। दोस्तों, जब हमें छींक आती है तो इसका दबाव इतना अधिक होता है कि इसमें हमारी पसलियों का टूटने का भी डर होता है। फैक्ट नंबर 8, सिर्फ 1 घंटा ईयरफोन लगाने से ही हमारे कान में जो है यहाँ पर 700 जम्स की संख्या बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम 1 ही घंटा ईयरफोन का यूज करते हैं तो हमारे कानों में 700 जम्स की जो संख्या है यह बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 9, हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 10, हमारे शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी की यदि हम बात करें तो यह जीभ होती है। फैक्ट नंबर 11, हम स्वयं अपनी सांस को रोककर खुद ही नहीं मर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, हमारे जोड़ों में पाया जाने वाला सिनोवियल फ्लूड जो है यह इस धरती की सबसे चिकनी चीज है। तो यह मनुष्य से जुड़े कुछ रोचक बातें थी दोस्तों। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता।